लोगों की बातें ना छोड़ो, उन बातें ना करो ना जिन्हें करने आए हो, बाकी ताजमहल की करो ना। हाँ 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 मैडम जी, हमें जुआर बताओ कहाँ ताजमहल? बुलंद शहर। ए मैडम जी देखो, गुस्ताखी तो माफ करी हो, लेकिन क्यों बच्चों को उल्टा बलगल आ रही हो तुम? है ताजमहल आगरा में, मैं अपनी इन आँखों से दीदार करके आया। खालिद जी आपको पता है ना इस बच्चे की फीस नहीं आई है। यो, 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 यो। मैडम जी मैं ऐसे मसलों पर ध्यान ना देता हूँ, बस जिस गली जाना नहीं उस गली का रास्ता क्यों पूछना। तो मैडम जी तुम एक बात और बताओ हमें, तुम जबरदस्ती आगरा में तो ताजमहल बुलंद शहर में बसा रही हो, तुम्हारी कोई अच्छी बात है? देखो श्यामलाल जी, जब तक अमन की फीस नहीं आएगी ताजमहल तो बुलंद शहर में ही रहेगा। अरे यार भुहेरा, हम तो फीस देके बहुत पछता रहे हैं, अगर हम भी फीस ना देते तो ताजमहल के दर्शन बुलंद शहर में ना कर लेते हम भी। अरे यार मैंने तो कर ली फीस जमा करी है। ए भाई मैडम जी, ये तो तुम्हारे घर की सरकार चल रही है फिर तो है, तुम जिसे चाहो जो चाहो हम बसा रही हो। ए मैडम जी देखो, बदल दो अपने फैसले, ताजमहल रहन दो बेचारे आगरा में ही, क्यों दुनिया हंसा रही हो तुम? अमन तुम बकवास मत करो, तुम्हें जो काम बताया गया है वो करो। ठीक है मैडम जी। ए भाई कहाँ कौन दे रखो मैडम ने तो? बाबा जी मैं जो है ना ताजमहल आगरा से धकेलते हुए बुलंद शहर ला रहा हूँ। ओह नो। मैं भैया अमन, जब तू आगरा से ताजमहल को धकेलता लाई रहा तो उधर से आते टाइम 2 किलो पेठे की मिठाई और ले आइयो, फेमस है वाकई है ना। अब मैडम जी तुम आखिरी बेर बताओ मो, बस तुम्हारा जी में है कहा, तुम या ताजमहल आगरा में रहन दोगी या नो? आप मुझसे बहस तो करो मत, मैंने आपसे एक बार कह दिया जब तक अमन के ट्यूशन की फीस नहीं आएगी तब तक ताजमहल आगरा में नहीं बुलंद शहर में ही रहेगा। यो, 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 यो। कोई परेशानी ना इसमें, चाचा क्या परेशानी है, हमारे लिए तो आसान ही रहेगा, बुलंद शहर तो नजदीक पड़ता है। पर मैडम जी तुमसे मेरी एक गुजारिश और है। क्या गुजारिश है? देखो मेरा बचपन का सपना रहा कि मैं दुबई में जाके बुर्ज खलीफा का दीदार करूं, लेकिन गरीबी के चलते रुपो पैसा का नहीं हो पाया इंतजाम, तो मैं इतना सा और कर दो, जब तुम इतनी शिफ्टिंग करवा रही हो दुबई से बुर्ज खलीफा को लाके इधर ग्रेटर नोएडा के पास परी चौक के आसपास बहुत जगह पड़ी है, वहां कहीं लाकर डलवा दो, हम भी दीदार कर लेंगे तुम्हारे सारे। और क्या अकेला ही मत चलो जाइयो, परी चौक तो हम भी चले जाएंगे, हमें भी दीदार करना आज के। ए चाचा संग चलेंगे यार, कभी छोड़ के गाऊ तुम्हें, चलेंगे उसमें क्या परेशानी है। हे भगवान मैं किन लोगों के चक्कर में फंस गई, अब श्यामलाल जी आप ये बताइए फीस देंगे या नहीं? हाँ फीस तो देंगे, फीस तो देंगे, पर फीस जो ना जब ही देंगे जब तू हमें ताजमहल के दर्शन बुलंद शहर में करवा देगी। ये वाजिब बात कही है तुमने। चल मैं खाली चल ले अपने यहाँ चेकबुक का पकड़, 6 महीने की फीस होगी, चल मैं खा ले।